बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाली लड़की को उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजस्थान से पकड़ा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में पेश करने का आदेश दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को समन भेजा, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबानी जंग तेज हो गई और आदित्यनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग को लेकर समर्थकों ने भोपाल में पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बच्चा चोरी के आरोप में एक लड़की की लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि लड़का एक बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाने की फिराक में था, लेकिन लोगों ने उसे देख लिया और उस पर टूट पड़े। लोग उस पर मुक्के और डंडे बरसाने लगे और वो लोगों से बचने की कोशिश करने लगा। लोगों की पिटाई से बचने के लिए वो लड़का पानी के एक गड्ढे में कूद गया, जिसके बाद लोग और भड़क गए। पानी के उस गड्ढे में चारों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई, जिसे देखकर वो लड़का और घबरा गया। इसके बाद वो जैसे ही गड्ढे से बाहर आया, एक आदमी ने उसे दोबारा गड्ढे में धकेल दिया। वहाँ मौजूद कुछ लोग इसका वीडियो बनाते भी नजर आए। इससे पहले बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने उसे पकड़कर घेर लिया, जहाँ एक आदमी लोगों से उसे छुड़ाता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही लोगों ने उसे पीटना शुरू किया, वो लड़का उस आदमी से लिपट गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और भीड़ के चंगुल से उसे छुड़ाकर अपने साथ ले गई। बिहार के बाढ़ में दो लोगों का AK-47 लहराने का एक वीडियो सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। आरोप है कि वीडियो AK-47 बरामदी केस में जेल में बंद मकोमा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के विरोधी विवेका पहलवान के घर का है, जिसमें दो लड़के अपने हाथों में AK-47 लहराते दिखाई दिए। वीडियो में नजर आ रहे दोनों लड़के वहां मौजूद अपने साथियों से बातचीत करते भी सुनाई दिए। फेसबुक पर डाल दिए, व्हाट्सएप पर डाल दिए, यहाँ ऑप्शन रहता तो ब्लैक मेल करे ले रख ले रहा। वीडियो में एक लड़का बेड पर बैठकर AK-47 लहराता दिखा, जबकि दूसरा उससे फायर करने का दिखावा करता नजर आया। अभी तो विधायक अनंत सिंह के समर्थकों ने वीडियो में विवेका पहलवान के भतीजे के होने का दावा करते हुए मामले की जांच की मांग की। NIA जांच करे कि कहां से 47 आया है। ASP बाढ़ लिपि सिंह विधायक जी तो पहले ही इल्जाम लगाते रहे कि ASP मिली हुई है। हालांकि वीडियो में दिख रहे एक लड़के ने खुद को बेकसूर बताया। वीडियो पूरा दिखाया कहां, वीडियो में तो हम लोग प्लास्टिक ला लेके हंसी मजाक कर रहे थे, विवेका पहलवान तो हम लोग को पहचानते भी नहीं है। वहीं AK-47 लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई और विरोधी दल के नेताओं ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर लिया। RJD ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और AK-47 वाले वायरल वीडियो के बहाने राज्य सरकार पर निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगा दिया। विवेका पहलवान के भतीजे जो है जो जो AK-47 लगा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनका संरक्षण नीतीश कुमार जी का प्राप्त। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। क्राइम क्राइम है, AK-47 जो भी रखता है वो क्राइम है, चाहे सत्ता पक्ष से जुड़ा हो या विपक्ष से जुड़ा हो। हाल ही में अनंत सिंह के एक मकान में AK-47 मिलने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद उनकी पत्नी ने विवेका पहलवान पर ही उनके मकान में AK-47 रखवाने का आरोप लगाया था। जापान के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में चार लोगों की मौत हो गई। वहाँ पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी शहर की सड़कों तक पहुंच गया। एक जगह तो सड़क पर पानी में मछलियां तैरती नजर आईं। सड़क पर मछलियों को तैरते देख लोग भी हैरान रह गए। बाढ़ का सबसे बुरा असर सगा शहर पर पड़ा, जहां नदियों के उफान पर आने की वजह से कई रिहायशी इलाके डूब गए। एक जगह तो नदी का पानी उस पर बने पुल के बहुत करीब पहुंच गया। बाढ़ में कई सड़कें पूरी तरह डूब गईं। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में आधी से ज्यादा डूबी दिखाई दी। हर तरफ पानी भरने से लोग अपने मकानों में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए आपदा मंत्रालय ने राहत बचाव की टीमों को तैनात कर दिया, जिनकी मदद से बाढ़ की चपेट में आने वाले करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। वहां बाढ़ के साथ जमीन खिसकने का खतरा बढ़ने की वजह से अलर्ट भी जारी किया गया और लोगों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। नागासाकी में भी भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए। पानी भरने की वजह से वहां सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। नदी में बना एक पुल पानी में पूरी तरह डूब गया। बाढ़ की वजह से पुल और नदी में अंतर करना मुश्किल हो गया। सड़क में भरे पानी में एक गाड़ी फंस गई, जबकि कई लोग कमर तक गहरे पानी को पार करते दिखे। बाढ़ का पानी एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। पानी में लोगों के मकान और दुकानें भी डूबी नजर आईं। गुजरात के सूरत में एक बुजुर्ग महिला अपने घर की बालकनी से नीचे गिर गई। कपड़े धोने के बाद महिला उन्हें सुखाने के लिए बालकनी में डाल रही थी, तभी बालकनी की दीवार अचानक टूटकर नीचे गिर गई, जिसके साथ महिला भी जमीन पर आ गिरी।
बुजुर्ग महिला अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रहती थी। हादसे की तस्वीरें अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि बालकनी की दीवार काफी जर्जर थी और बहुत वक्त से उसकी मरम्मत भी नहीं की गई थी। घटना में महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। देश के सबसे अमीर गणपति मंडल गौड़ सरस्वत ब्राह्मण सेवा मंडल ने इस बार गणपति का 267 करोड़ रुपए का बीमा कराया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा बीमा कवर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार गौड़ सरस्वत ब्राह्मण सेवा मंडल के गणपति करीब 20 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरे के जेवर पहनेंगे, जिसे देखते हुए गणपति सेवा मंडल ने 267 करोड़ रुपए का बीमा कराया है। ये बीमा कवर पिछले साल से 1,65,00,000 रुपए ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक गौड़ सरस्वत ब्राह्मण सेवा मंडल अपने पंडाल, मूर्ति, जेवर, स्वयं सेवकों और मजदूरों के लिए भी बीमा लेता है। इस बीमा कवर में स्वयं सेवकों के लिए हादसा कवर करीब 225 करोड़ रुपए है, जो बीमा राशि का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा वडाला गणपति मंडल ने 55 करोड़ और लालबाग के राजा ने 51 करोड़ रुपए का बीमा कराया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फैक्ट्रियों के प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण की वजह से कई तरह की बीमारियां फैलने का आरोप लगाया और इन फैक्ट्रियों को अपने इलाके से बंद कराने की मांग करते हुए हाईवे जाम कर दिया। लोगों के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, जो हाईवे पर ही बैठ गई और नारेबाजी करने लगी। हाईवे बंद होने की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे। इनकी प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन है, हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्दी एडीसी साहब से भी बात हुई है। लेकिन उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई। लोगों ने रिहायशी इलाके में फैक्ट्रियां खोलने की मंजूरी देने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और अपनी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की धमकी भी दी। पूरे कठुआ को अवेयर करेंगे, आने वाले दिनों में अगर हमारी मांग को सुना नहीं गया, हम पूर्ण जोर से पूरे कठुआ को बंद करेंगे। हाईवे पर लोगों के इस प्रदर्शन की वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और जाम में फंसकर कई घंटों तक लोग परेशान हो गए। बिहार सचिवालय के कर्मचारियों ने जीन्स और टी शर्ट पर रोक के फैसले का स्वागत किया। बिहार सचिवालय के कर्मचारियों ने ड्रेस कोड यानी जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया। ऑफिस में तो जीन्स टी शर्ट पहनने के खैर आना नहीं चाहिए, क्योंकि मुख्यालय है, ब्लॉक स्तर नहीं है कि आप जैसे तैसे चलाइए घर। बिहार के बेतिया में कुछ लड़कों पर एक दुकानदार के ऊपर चाकू से हमला करने का आरोप लगा, जिसके बाद दुकानदार के परिवार ने दावा किया कि दूध न होने पर चाय बनाने से इनकार करने पर लड़कों ने हमला किया। भाई के चाकू मार दिया। उत्तराखंड के रुड़की में रोडवेज के दफ्तर की इमारत जर्जर होने की वजह से कर्मचारियों को हेलमेट पहनने पर मजबूर होना पड़ा। इस कमरे की छत जो है वो इतनी जर्जर हो गई है कि इसमें से प्लास्टर के टुकड़े टूट टूट के नीचे गिर गए। उत्तर प्रदेश के एटा में कुछ लोगों ने छेड़खानी के आरोप में एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने उस लड़के पर स्कूल जाने वाली छात्राओं से पिछले कई दिनों से छेड़खानी करने का आरोप लगाया और उसे पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के दौरान आरोपी लगातार लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उसकी पिटाई करते रहे। एक लड़का आरोपी को पकड़े हुए था, जबकि दूसरा लड़का डंडे से उसकी पिटाई करता दिखाई दिया। कुछ देर बाद वहां मौजूद दो छात्राओं ने चप्पलों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस बीच वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। तभी आरोपी को पकड़े हुए लड़के ने दूसरे के हाथ से डंडा लिया और उस पर टूट पड़ा। हालांकि पिटाई के दौरान आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया। कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद पर तनातनी बढ़ गई। खबर है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हैं। यही नहीं, सिंधिया के समर्थक तो इस मामले में आर पार के मूड में दिखाई दिए। और भोपाल में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर सिंधिया के समर्थन में नारेबाजी की। नारे लग रहे हैं भोपाल में पीसीसी दफ्तर के सामने और यहाँ पर ये तमाम समर्थक हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर चली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जल्दी से जल्दी उनके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला हो। यही नहीं, सिंधिया के समर्थकों ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर आला कमान को इस्तीफे की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, बिल्कुल सौंपी जाए, अन्यथा
हम सैकड़ों कार्यकर्ता इसी पीसीसी के सामने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी को देंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के दतिया जिले के कांग्रेस नेता अशोक डांगी ने भी सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग करते हुए आला कमान को आंखें दिखाई। मैं राहुल जी से, सोनिया जी से पुनः मांग करता हूं कि उनको कांग्रेस की कमान मध्य प्रदेश की दी जाए। नहीं दी गई तो हम लोग दतिया जिले से 500 कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे। प्रदेश अध्यक्ष पर मची खींचतान के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये संदेश देने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। मैं तो 6 महीने से लगा हूँ कि नया अध्यक्ष बनाया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बातचीत चल रही है कि वो नाराज है। मैं नहीं सोचता वो किसी तरह नाराज है। सीरिया के दक्षिणी इदलिब में 5 साल बाद कब्जा करने वाली सेना ने उत्तर पूर्वी इलाकों में विद्रोहियों पर हमले तेज कर दिए। इस दौरान सेना ने तुर्की की एक पोस्ट के पास भी हवाई हमले किए। लेकिन सीरिया सरकार के विरोधियों ने दावा किया कि ये हमले वहां के रिहायशी इलाकों में किए गए। बम बरसाए जाने से कई मकान तबाह हो गए। हमले के फौरन बाद राहत बचाव में जुटी संस्थाओं के सदस्य लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। कई घायलों को ढह चुकी इमारतों के नीचे से निकाला गया और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। जिन जगहों पर आग लगी थी वहां दमकल की गाड़ियों से पानी की बौछार की गई। दावा किया गया कि तुर्की की एक पोस्ट के बहुत करीब भी बम बरसाए गए जो राजधानी दमिश्क को जोड़ने वाले हाईवे के पास बनी है। We are taking the necessary military steps to ensure security. The Syrian regime must not play with fire. इदलिब के साथ उत्तरी हमा प्रांत में भी सेना ने विद्रोहियों पर हमले का अभियान तेज कर दिया। सेना के जवान मशीन गन से भी फायरिंग करते नजर आए। पिछले हफ्ते ही सेना ने कड़े संघर्ष के बाद इदलिब के खान शेकुन इलाके को 5 साल के बाद फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। हरियाणा के सिरसा में हथियारबंद 3 बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सभी बदमाशों ने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था और पिस्तौल दिखाते हुए तीनों बदमाश पेट्रोल पंप के कर्मचारी के पास पहुंचे। एक बदमाश ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को टेबल का ड्रॉर खोलने का इशारा किया और उसमें रखे पैसों को लूट कर बदमाश वहां से फरार हो गए। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी को भी बदमाशों ने तब तक बाहर नहीं जाने दिया जब तक वो लूट की घटना को अंजाम देकर वहां से भाग नहीं गए। पेट्रोल पंप कर्मी ने 30,000 रुपए की लूट का दावा किया। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जिसकी मदद से पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। 3 बंदे आए थे मोटरसाइकिल के अंदर, बड़े हाथ में पिस्तौल थे उनके, हाथे पिस्तौल रख दिया मेज पे, कैश निकाल के दे दिया जितना भी कैश लिए था। कितना कैश था? 20,000 और 30,000 के बीच में था। उत्तराखंड के रुड़की में रोडवेज के कर्मचारी रोडवेज इमारत की खस्ता हालत की वजह से हेलमेट पहनकर काम करने को मजबूर हैं। बताया गया कि बारिश के मौसम में इमारत के छत से प्लास्टर उखड़ने लगता है जो कई बार लोगों के सिर पर भी गिर जाता है, जिससे बचने के लिए वहां के कर्मचारियों ने ऑफिस में हेलमेट पहनकर काम करना शुरू कर दिया। बताया गया कि इमारत काफी पुरानी है और सालों से मरम्मत नहीं होने की वजह से उसकी हालत खस्ता हो गई और छतों का प्लास्टर उखड़ने लगा। आरोप है कि इमारत की मरम्मत के लिए उच्च अधिकारियों से कई बार गुहार लगाए जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, मेरे ख्याल से बिल्डिंग तो 1964-65 की बनी हुई है ना, साहब को हमने कैलकुलेटर लिखा है कि इनकी मरम्मत कराने कमरों की। जबकि कई बार छत से गिरे प्लास्टर के टुकड़ों से लोगों को चोट भी आई, लेकिन इसके बावजूद इमारत की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। लगी है पहले भी लोग जिसके बाद मजबूरी में कर्मचारियों को खुद का बचाव करने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ा। वायु प्रदूषण हिंसक अपराधों में बढ़ोतरी की वजह बन रहा है। अमेरिका में हुए एक रिसर्च के मुताबिक वायु प्रदूषण सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं उनके दिमाग को भी गहरा नुकसान पहुंचा रहा है। रिसर्च में दावा किया गया कि हवा में मौजूद प्रदूषण फैलाने वाले कण और जहरीली गैसें दिमाग के काम करने के तरीके पर खराब असर डालती है जिसकी वजह से लोग आक्रामक हो रहे हैं और उनमें हिंसक अपराध करने की जो मानसिकता है वो बढ़ रही है। रिसर्च में बड़े और भीड़भाड़ वाले शहरों में प्रदूषण के साथ अपराध बढ़ने का भी दावा किया गया। इसके लिए अमेरिका के करीब 300 शहरों में अपराध और प्रदूषण के डेटा पर रिसर्च की गई जिसके मुताबिक इन शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर अपराध में भी बढ़ोतरी हुई जबकि प्रदूषण घटने पर हिंसक अपराधों में भी कमी आई। मध्य प्रदेश के सतना में डिग्री कॉलेज के गेट पर फायरिंग करने के आरोपी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लड़के ने कॉलेज की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी से राइफल छीनकर फायरिंग की थी जिसका वीडियो भी वायरल हो गया।
इस वीडियो में साफ दिखा कि कॉलेज के गेट पर एक लड़के ने राइफल से हवा में फायर कर दी। छात्र संघ चुनाव से पहले हुई इस फायरिंग के छात्रों के दो गुट भी आपस में भिड़ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे, जबकि पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। तो उस सिक्योरिटी गार्ड जिसके पास शस्त्र का लाइसेंस था उनको भी आरोपी बनाया जा रहा है उस अपराध में, और वो लाइसेंस की निरस्ती का भी कार्रवाई के लिए हम कलेक्टर साहब ने। जबकि इस हंगामे के बाद छात्र गुटों में तनाव बढ़ता देख कॉलेज में सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया। सुप्रियो सुले ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मुंबई और दूसरी जगहों पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोग इंक्वायरी नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए विधायक विश्वजीत दास की गाड़ी पर हमला कर दिया गया, जिसमें विधायक को भी चोट आई। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए मायावती की पार्टी बीएसपी ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम को उम्मीदवार बनाया। बहन जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, तो हम लोग वहाँ दमखम से चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। मुंबई में शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी से न्यूज 18 ने आईएनएक्स मीडिया केस में घिरे पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा, जिस पर वो बोलने से बचते नजर आए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कुछ लोगों ने एक सड़क की अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया। शहर की ज्यादातर सड़कों की खराब हालत की वजह से ये लोग परेशान थे और प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग करते हुए सड़क की अर्थी के सामने बैठकर मातम मनाने लगे, जिसके बाद इन लोगों ने बैंड बजाते हुए सड़क की अर्थी के साथ शव यात्रा भी निकाली। शहर के कई इलाकों से शव यात्रा निकालने के बाद ये सभी लोग अर्थी के साथ एक चौराहे पर पहुंचे और सड़क की अर्थी का दाह संस्कार किया। सड़क बनाने की मांग पर पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क बनवाने की अपील भी की। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक जारी रहेगा, या तो उच्च अधिकारी आके हमें बताए कि इस रोड को बनाएगा तो कौन बनाएगा, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। कोलकाता के लेक टाउन इलाके में पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के सामने ममता बनर्जी के समर्थकों ने नारे लगाए। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। घटना तब हुई जब दिलीप घोष सुबह के वक्त टहलने और चाय पर चर्चा के लिए निकले थे, तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उनके सामने ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ भी नारेबाजी की। विरोध करने पर टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उलझ गए। सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। आरोप ये भी है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे और बैनर भी फाड़ दिए। इस घटना से पहले दिलीप घोष कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने दिलीप घोष जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे भी लगाए, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद वहां के हालात बिगड़ गए। हालांकि बाद में वहां पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान देश भर में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में 74% की बढ़ोतरी हुई। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि साल 2018-19 के दौरान देश भर में बैंक फ्रॉड के 6,800 मामले सामने आए, जिनमें करीब 71,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में बैंक फ्रॉड के तकरीबन 6,000 मामले सामने आए, जिनमें करीब 41,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ था। धोखाधड़ी के करीब 4,000 मामले तो अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सामने आए। इस दौरान इन बैंकों में 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ है, जो कुल फ्रॉड का तकरीबन 90% है। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जीवाड़े का पता लगाने में बैंकों को औसतन 22 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है, जबकि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड की पहचान करने में तो बैंकों ने करीब 5 साल का वक्त लगा दिया। इंडोनेशिया के वेस्ट पापुआ में एक हफ्ते पहले हुए हिंसक बवाल के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क गई। वहां के लोगों ने पापुआ के छात्रों से बदसलूकी करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने का विरोध जताया, और इस बार तो उन्होंने पापुआ में संसद की इमारत समेत कई मकानों को आग के हवाले कर दिया। इससे पहले वेस्ट पापुआ के हजारों छात्रों ने इंडोनेशिया सरकार के खिलाफ एक रैली निकाली। उन्होंने अपनी आवाज दबाने के लिए वहां तैनात की गई सेना का विरोध जताया।
militer yang terlibat saat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui aparat maupun Komnas HAM. रैली के दौरान कुछ छात्र सड़कों पर ही धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद छात्रों के कुछ गुटों ने हिंसा शुरू कर दी। सेना के जवानों ने उन्हें भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। तब तक प्रदर्शनकारी कई मकानों में आग लगा चुके थे। उन्होंने संसद की इमारत में तोड़फोड़ भी की। विरोध जता रहे लोगों ने पैपुआ को इंडोनेशिया से अलग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मदद की अपील की। रेलवे करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल के सेवक से सिक्किम तक रेल लाइन बिछाने जा रही है। ये रूट तैयार होने से भारत के लिए सिक्किम में चीन की सीमा वाले इलाके तक पहुंच और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में सिक्किम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए सड़क ही सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन ये इकलौती सड़क भी खराब मौसम या पहाड़ खिसकने की वजह से अक्सर बंद हो जाती है। हालांकि सेवक से रेंगपो तक ये रेल लाइन तैयार होने के बाद ये मुश्किल खत्म हो जाएगी। But this rail line is the ultimate solution for all travel problems on this route. इस रेलवे लाइन का करीब 85% हिस्सा पहाड़ों के अंदर बनी सुरंगों से होकर गुजरेगा। Crosses 14 tunnels of the total length 38.555 kilometers. ऐसे में ये रेल लाइन सैन्य लिहाज से भारत के लिए काफी अहम साबित होगी, क्योंकि ट्रेन के जरिए फौज और सैन्य साजो सामान को किसी भी मौसम में सीमा तक तेजी के साथ पहुंचाना आसान हो जाएगा। 45 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन टूरिज्म के साथ सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि सिक्किम के पड़ोस में मौजूद चीन सीमा के काफी करीब तक रेलवे लाइन और हाईवे बना चुका है। ऐसे में वो डोकलाम, नाथुला और सिक्किम के दूसरे मोर्चों पर अपनी फौज और भारी मशीनरी को तेजी के साथ पहुंचा सकता है, जबकि सिर्फ सड़क का सहारा होने की वजह से भारत की फौज के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। ऐसे में इस रेलवे लाइन के बनने से भारत के हर मौसम में सिक्किम तक वो पहुंच बनेगी। दिल्ली के बादली इलाके में एक 3 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इमारत के बाहर इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद मलबे में फंसे लोगों के रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। बताया गया कि हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इमारत से लगे दूसरे घरों को भी एहतियातन खाली करा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इलाके के लोग प्रशासन से नाराज भी दिखे। बोलीविया के हिस्से वाले अमेजॉन के जंगलों में तेजी से आग भड़क रही है। आग करीब 40,000 जगहों पर फैल गई और इस आग को बुझाने के लिए बोलीविया सरकार ने फ्रांस, अर्जेंटीना और संयुक्त राष्ट्र की मदद स्वीकार करने का ऐलान किया। जबकि आग बुझाने के काम में लापरवाही का आरोप झेल रहे बोलीविया के राष्ट्रपति एवो मोरालेस खुद अमेजॉन के जंगलों की आग बुझाते नजर आए। उन्होंने कई घंटों तक दमकल कर्मियों के साथ आग बुझाने के लिए पसीना बहाया। इस साल अब तक बोलीविया के हिस्से वाले अमेजॉन के जंगलों की आग ने करीब 18.5 लाख एकड़ के इलाके को जलाकर राख कर दिया है। जंगल के इलाके में बसे गांवों और जीवों को बचाने के लिए 3,500 से ज्यादा जवानों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। आग वाली जगहों को देखने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति एवो मोरालेस ने जंगलों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जंगल से कई पशु पक्षियों को बचाने वाले दमकल विभाग की तारीफ की। हालांकि जंगल की आग में अब तक सैकड़ों पशु पक्षी अपनी जान गंवा चुके हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि गुजरात में एक महिला कलेक्टर को उसके भ्रष्टाचार की सजा भुगतनी पड़ी, और ये दावा जिस वीडियो के आधार पर किया गया उसमें महिला को एक नाले में गिरते हुए देखा गया। दावा किया गया कि महिला कलेक्टर के भ्रष्टाचार की वजह से वो हादसे का शिकार हो गई। लेकिन हमने पता लगाया कि आखिर इस दावे में कितना दम है, क्योंकि ये वीडियो एक नहीं कई लोगों की तरफ से शेयर किया गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने दावा किया कि गुजरात में एक महिला कलेक्टर को अपने भ्रष्टाचार की सजा भुगतनी पड़ी। ये दावा इसलिए किया गया क्योंकि वीडियो में महिला को नाले में गिरते हुए देखा गया। लोगों ने दावा किया कि जिस नाले में महिला गिरी उसका निर्माण उसी ने कराया था, इसलिए लोगों ने सोशल मीडिया पर ये कहना शुरू कर दिया कि महिला के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। और इस दावे के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। हालांकि कई लोगों ने बताया कि वीडियो में दिख रही महिला कलेक्टर नहीं है, और लोगों की ये बात सही निकली। पता चला कि जिस महिला को कलेक्टर बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो जामनगर से बीजेपी की सांसद पूनम बेन माडम है।
उनका ये वीडियो भी आज का नहीं बल्कि 3 साल पुराना है, जब वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। 2016 में जब ये हादसा हुआ था तब बीजेपी सांसद झुग्गियां तोड़ने के विरोध में एक इलाके में पहुंची थी। निगम के अधिकारियों से बात करते हुए वो नाले में जा गिरी थी। इस हादसे में उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं, पर सोशल मीडिया पर उनके साथ हुए इस हादसे के वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया गया। यही नहीं, भ्रष्टाचार की सजा भुगतने वाली बात भी पूरी तरह गलत निकली। हरियाणा के सिरसा में नकाबपोश लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप पर नकदी लूटी। हरियाणा के सिरसा में एक पेट्रोल पंप पर कुछ नकाबपोश लुटेरों ने हथियार दिखाकर नकदी लूट ली। 3 बंदे आए थे मोटरसाइकिल के अंदर, बड़े हाथ में पिस्तौल थे उनके, हाथे पिस्तौल रख दिया मेज पे, कैश निकाल के दिया जितना भी। यूपी के एटा में कुछ लोगों ने एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई कर दी। रोज डेली जाके लड़कियों को परेशान करती थी, हमारी बहन थी वो, और वो रोज रो के कहती थी जाके हमसे भी ये ऐसे ऐसे परेशान मत। यूपी के फिरोजाबाद में एक ही परिवार के 8 लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोगों ने खीर खाई है, खाने के बाद एक हम लोग को पलटी है, वो बेहोशी सी आई है, गिर गए। राजस्थान के उदयपुर में एक स्कूल के कमरे जर्जर होने पर स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन से कमरों की मरम्मत की मांग की। हमारा विद्यालय भवन बहुत जर्जर अवस्था में है, इस बाबत हमने उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। यूपी के मथुरा में एक बाल शिशु गृह में इन्फेक्शन की वजह से बीमार हुए 10 बच्चों में 2 की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। एक 6 माह का बच्चा और 1.5 साल का, हम लोग जांच करवाएंगे, जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने झारखंड के जमशेदपुर में लोगों की एक पुरानी मांग को मान लिया और टाटानगर रेलवे स्टेशन से रांची तक ट्रेन चलाने की शुरुआत कर दी। बिहार के गोपालगंज में बकाया पैसा मांगने और रिश्वत नहीं देने पर एक ठेकेदार को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। ठेकेदार के घर वालों ने जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। बताया गया कि जल संसाधन विभाग पर ठेकेदार रमाशंकर सिंह का लाखों रुपए बकाया था, जिसके भुगतान के लिए वो चीफ इंजीनियर मुरलीधर सिंह के आवास पर गए थे। आरोप है कि 15 लाख रुपए की रिश्वत नहीं मिलने पर चीफ इंजीनियर मुरलीधर सिंह ने ठेकेदार रमाशंकर सिंह को आग के हवाले कर दिया। पेमेंट के लिए चीफ इंजीनियर के यहाँ गए, नहीं देने पर बुलाकर किया जान मार दिया। आग लगने से ठेकेदार रमाशंकर सिंह बुरी तरह झुलस गए। इलाज के लिए उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। एफआईआर प्राथमिकी दर्ज करके फिर जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है उसको पूर्ण किया जाएगा और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने चीफ इंजीनियर मुरलीधर सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रशासन ने मामले की जाँच के लिए SIT बना दी। वही इस घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गयी और इस घटना के बहाने कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। अत्यंत चिंता का विषय, बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। RJD ने भी प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। ठेकेदार को जो जलाने का काम किया है और वैसे व्यक्ति जो संलिप्त उसमें है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं JDU ने इस घटना पर दुख जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस तहकीकात कर रही है, तहकीकात के बाद ही हम बता सकते इसमें घटना क्या हुई। पुलिस लगी ये कानून का राज है, कानून अपना काम करता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान, आतंकियों की फौज खड़ी कर रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बंद हो चुके 18 आतंकी कैंप फिर से शुरू किए गए और हर एक कैंप में पाकिस्तानी फौज की निगरानी में 40 से 50 आतंकियों को रखा गया है। पाकिस्तानी सेना के साथ ISI के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बताया गया कि इन कैंप में वो आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं जिन्हें अफगानिस्तान में खिलाफ हमलों के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल कर चुका है। जो 18 आतंकी कैंप शुरू किए गए उसमें कोठली, निखियाल, भीमबेर और मुरुदके शामिल हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री सज्जन वर्मा के सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताने वाले बयान पर बवाल मच गया। सज्जन वर्मा ने गुजरात के समुद्री रास्ते से आतंकवादियों के घुसने से जुड़े सवाल के जवाब में ये बयान दिया और सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा करार दिया। चुनाव था तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी, अब कई बड़े राज्यों के चुनाव हैं तो घुसपैठ भी होगी,
कई फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी होगी ताकि इन चार पांच राज्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। जिसके बाद नाराज बीजेपी ने कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतने की चेतावनी दे डाली। कांग्रेस इसी तरह की राजनीति का खमियाजा भुगत चुकी है। जब सर्जिकल स्ट्राइक पर बालाकोट पर सवाल उठाया था, अब आतंकी अलर्ट है, इसमें सियासत हो रही है। हालांकि बवाल मचने के बाद भी सज्जन वर्मा अपने बयान पर कायम रहे। मैंने कहा कि कुछ राज्यों के चुनाव है, एक सर्जिकल स्ट्राइक और हो जाएगी। चीन के फुजान प्रांत में एक हाईवे पर तेज रफ्तार एसयूवी पलट गई। हादसे के वक्त इस हाईवे से कई गाड़ियां गुजर रही थी, जिसके दौरान दो कारों के अचानक रुकने से एक एसयूवी आई और एक कार से टकराती हुई पलट गई। इससे पहले व्यस्त हाईवे पर गुजरती हुई गाड़ियों के बीच एक कार आई और इंडिकेटर देते हुए दाईं ओर मुड़ने लगी। तभी एक और कार आई और अचानक उसने अपनी स्पीड कम कर ली, जिससे पीछे से आ रही एसयूवी कार से टकरा गई और कलाबाजी खाती हुई छत के बल पलट गई। हाईवे पर पलटने के बाद एसयूवी काफी देर तक सड़क पर पड़ी रही। कुछ देर बाद पेट्रोलिंग करने वाली टीम वहां पहुंची और एसयूवी को हटाया गया। हालांकि इससे पहले ही एसयूवी के ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में जिस सिख लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, उससे आतंकी हाफिज सईद के गुर्गे ने शादी की। जगजीत कौर नाम की लड़की से जबरन शादी करने वाला मोहम्मद हसन हाफिज के संगठन जमात उद दावा से जुड़ा है और इसीलिए उसके बगल में बैठी डरी सहमी लड़की वहां खड़े मौलवी की हाँ में हाँ मिलाती रही। क्या नाम है आपका? जगजीत कौर। नाम क्या रखा है? इस्लामी नाम आयशा। हाफिज के गुर्गे ने लड़की को उसके घर से अगवा किया और फिर जबरन इस्लाम कबूल करवा कर उससे शादी कर ली। कुछ गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको जबरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। इस घटना के बाद से ही लड़की के घर वाले डरे हुए हैं, क्योंकि हाफिज के गुर्गे और इस घटना से जुड़े बाकी लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। दहशत में जी रहे इन लोगों ने इंसाफ के लिए पाकिस्तान सरकार से भी गुहार लगाई। मेरी पीएम इमरान खान और चीफ जज से अपील है, गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ करें। पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार की खबरें आती रहती, लेकिन पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुई शर्मनाक घटना का भारत में जोरदार विरोध हुआ और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को आड़े हाथ लिया। किस हद तक इमरान खान साहब गिर सकते हैं? मैं कहती हूँ कि ऐसी हरकतों से उनको बाज आना चाहिए। बीजेपी ने भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के लिए वहां की सरकार पर तीखा हमला बोला। जिस तरह एक सिख लड़की के साथ अन्याय हुआ है, इमरान खान न्याय करके दिखाएं। भारत की ओर से दबाव बढ़ता देख पाकिस्तान ने इस मामले में कार्रवाई का दिखावा किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुज़दार ने ननकाना साहब की घटना की जांच के आदेश दे दिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में झुग्गियों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैला कि इसने कुछ ही देर में कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की तेज लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद वहां रहने वाले कुछ लोग बाल्टियों के जरिए आग पर पानी डालते नजर आए। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। इस दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप की मदद से एक मकान के खिड़की के अंदर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। बेहद ताकतवर बताया जा रहा डोरियान तूफान अमेरिका के शासन वाले पुर्तो रिको टापू से टकराने के बाद फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। तूफान के टापू से टकराते ही वहां तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और तेज हवाओं की वजह से वहां कुछ भी दिखना बंद हो गया, जबकि कई मकानों की टिन की छतें तक उड़ गईं। हालांकि ज्यादातर लोगों ने तूफान के टकराने से पहले ही जरूरी इंतजाम कर लिए थे। लोगों ने डोरियन तूफान से पहले ही मकानों को तेज हवा से बचाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। अधिकारियों ने लोगों को समय रहते खाने पीने की चीजें और दूसरा जरूरी सामान जुटाने की हिदायत दी थी। लोगों को समंदर से दूर रहने की भी चेतावनी जारी की गई। पुर्तो रिको के बाद तूफान वर्जिन आइलैंड्स की तरफ बढ़ गया। तूफान की ताकत को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, तूफान के बाद राहत और बचाव के लिए 3,000 से ज्यादा जवानों को भी तैनात कर दिया गया।